हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। एंड आपके इतने सारे प्यार और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। क्योंकि स्टोरी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए था उसमें एक दो लोग आपस में बात कर रहे थे और वन पर्सन इज़ टेकिंग इंटरव्यू ऑफ द अदर पर्सन एंड इट इज़ रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। सो उन्होंने एक कपल की बहुत ही सुंदर सी एक स्टोरी बताई। एक बार मेरे पास आए, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करते थे, जिसमें से एक उनकी प्रॉब्लम थी। उनके हस्बैंड ने शिकायत की कि जो मेरी वाइफ है ये रोज़ जब बाथ लेके आती है तो मिरर पे अपनी बिंदी लगा देती है, एक और नई बिंदी ले लेती है। तो उस मिरर पे इतनी बिंदियाँ हैं, इतनी बिंदी हटी हैं और स्टिक हुई हैं कि उसमें जो बिंदी के पीछे स्टिक होती है जिसकी वजह से बिंदी चिपकती, वो उसके निशान लगे हैं पूरे मिरर पे। सो मिरर मैं अच्छे से नहीं देख पाता और मुझे अच्छा ही नहीं लगता कि ये वहाँ बिंदी लगाती है, रोज़ करती है ये काम, जो मुझे इरिटेट करता है, मेरे मूड को ख़राब करता है। मेरी मॉर्निंग जब शुरुआत ऐसी होती है ना, मेरा पूरा दिन ख़राब हो जाता है। सो उन्होंने सॉल्यूशन बता दिया। बाद फिर दोबारा हस्बैंड मेरे पास आए, सो बट वाइफ नहीं आई। सो मैंने पूछा कि अब सब कुछ ठीक है? तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है। बहुत पीसफुल उनका फेस और बहुत कामली वो बोले, जिस तरह से हड़बड़ाहट में और इतना गुस्से में पहले बोलते थे उसके बिल्कुल अपोजिट बोले। तो भाई उनको लगा कि तो भाई सब कुछ सही हो गया है, शांत हो गया बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि मैं उठता हूँ सुबह, जाता हूँ बिंदी वाली शॉप और बिंदी के पैकेट्स खरीद के लाता हूँ, और सबसे पहले मैं नहाने के बाद मिरर पे बिंदी स्टिक करता हूँ, बिंदी लगाता हूँ। बड़ा शॉकिंग सा है, बिंदी लगाता हूँ मतलब। सो फिर उन्होंने एलोबरेट किया कि वाइफ की को कैंसर हो गया था और मेरी वाइफ एक्सपायर हो गई हैं और उनको कैंसर हो गया था और अब मैं अकेले रहता हूँ, बट मैं जो वो मिरर पे बिंदी लगाती थी उसको बहुत मिस करता हूँ। स्टोरी से बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ और मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ कि YouTube ने रिकमेंड की है या गॉड ने रिकमेंड की है, वो स्टोरी मुझे मेरे सामने आई। और मैं ऑलमोस्ट, हम सभी लोग स्किप कर देते हैं सारी वीडियोस, हम नहीं देखते हैं जो भी YouTube से रिकमेंड होती हैं या हमारे सामने आती हैं, हम उसको थोड़ा देखते हैं, स्किप कर देते हैं। एंड थैंकफुली मैंने उस वीडियो को स्किप नहीं किया और पूरा सुना, और ये स्टोरी मुझे कहीं ना कहीं टच कर गई बहुत ज़्यादा। तो मैं चाहती थी कि ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इसमें एक बहुत बड़ी जो है लर्निंग है, एक लेसन है, जो कहीं ना कहीं हम लाइफ के इस लेसन को इग्नोर करते हैं या देख समझ भी लेते हैं, सो हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते इस चीज़ को, बट दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ गाइज। कोई भी रिलेशनशिप हो, मैरिड कपल्स का हो या भाई बहन का हो, किसी का भी हो, दीज ऑल आर टेम्प्ररी। हम आप कहेंगे कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी नेगेटिव यू आर सेइंग, दिस इज़ नॉट नेगेटिव गाइज। टेम्प्ररी मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं हूँ आज, शायद मैं कल ना हूँ। एंड दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ कि आप, हम सभी लोग, मैं हूँ, हम सभी लोग एक सेट टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे आए हैं, चीज़ का आए हैं, और वो लैप्स हो रहा है, हर पल आगे बढ़ रहा है, तो वो जो टाइम स्पैन है वो लैप्स हो रहा है, उसमें कमी आ रही है, वो कम होता जा रहा है। सो हम उस चीज़ को अगर समझ लेना, तो ये सबसे बड़ी बात है। सो जैसे ही उनके हस्बैंड ने उस ये बोला कि मतलब जो स्टोरी चल रही थी, जो नरेशन ऑफ स्टोरी बता रही हूँ मैं, जब उन्होंने ये बोला कि मैं हर रोज़ जाता हूँ मार्केट से बिंदी लेता हूँ, बिंदी स्टिक करता हूँ मिरर पे बिकॉज आई मिस दैट थिंग, क्योंकि अब वो नहीं है, सो आई मिस दैट थिंग, तो मैं वो खुद करता हूँ। और आप देख सकते हैं कुछ टाइम पीरियड पहले वही हस्बैंड वही शिकायत लेके आए थे कि दैट थिंग इरिटेट मी और मेरी मॉर्निंग से टिल इवनिंग मेरी ख़राब हो जाती है क्योंकि इस चीज़ की वजह से। सो दिस स्टोरी टीच यू अ वेरी बिग लेसन ऑफ लाइफ दैट वी ऑल आर टेम्पररी। जिन छोटी छोटी जो चीज़ों के लिए इरिटेट होते हैं, कह लीजिए, या कभी ना कभी हम लड़ते हैं, वो मैटर ही नहीं करती हैं हमारे जाने के बाद, वो मैटर नहीं करती हैं। एक टाइम स्पैन है, आप समझ लीजिए कि ये है, मान ली इतने ईयर्स हैं, उसमें से आपने इतना आप चल के आ चुके हैं, इतना बचा है। सो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसको आप अगर अपने अंदर रखेंगे, आप माइंड में जब भी आप कुछ भी करेंगे लाइफ में, सो ये आपको एक पॉजिटिव अप्रोच देंगी लाइफ के लिए, पॉजिटिव वे में आप अपनी लाइफ को लीड करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज मैं बस यही कह रही हूँ कि सारी पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं सोशल मीडिया पर,
डिपेंड करता है कि हम कनेक्ट किससे होना चाहते हैं, हमारा माइंड किससे कनेक्ट होना चाहता है। सबसे पहले अपने माइंड को आप एक वाइब्रेशन दीजिए कि मुझे बस यही चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे 5 मिनट के भी मजे लेने के लिए भी ना भैया निगेटिव चीज़ चाहिए ही नहीं। दिस इज द वे ऑफ लाइफ, कि पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ है आपके सामने, आप पॉजिटिव लीजिए नेगेटिव छोड़ दीजिए, भगवान के भरोसे उस नेगेटिव को। हर चीज़ नहीं करेक्ट कर सकते, हम कोशिश कर सकते हैं, देन इफ यू विल ट्राई गॉड विल हेल्प अस, कि आप पॉजिटिव नेगेटिव में से पॉजिटिव लेने की जब कोशिश करते हैं, दिस इज द वे ऑफ लाइफ टू लीड अ पीसफुल लाइफ। ओके, दैट्स ऑल आर माई पर्सनल व्यू, ये कोई फिक्शन स्टोरी नहीं है जो कि मैंने खुद से बनाई है गाइज। मैं बता दूँ कि ये मैंने कहीं पे किसी स्पिरिचुअल टॉक शो में देखी, किसी के द्वारा नैरेट की हुई स्टोरी है, और ये जो स्टोरी है वो किसी की रियल लाइफ स्टोरी है। ये मेरे को क्लिक कर गई थी, मैंने उसी टाइम सोच लिया था कि मैं शेयर करूँ, कि मैंने ये स्टोरी ले ली थी वहाँ से, वो जैसे मैं आपको कह रही हूँ पॉजिटिव चीज़। तो मैंने ये स्टोरी ली, आपके संग शेयर की। आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट, जैसा आप कर रहे हैं वैसा सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए, आपका प्यार बनाए रखिए। एंड अगर आपको भी ये स्टोरी से कुछ पॉजिटिव चीज़ समझने को मिली है, या आपको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिली है, सो मेरी इस वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो गया है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लाइफ इज़ ब्यूटिफुल। एंड सजेशन अगर कोई भी हो तो ज़रूर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड गाइज अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।